हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मैं आ गई थी घर से, लेकिन सफ़र की वजह से तबीयत थोड़ी डाउन सी हो गई थी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसलिए थोड़ी तबीयत डाउन सी हो गई थी। तो कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी शाम को, और जो कल सुबह डाला था वो परसों वहाँ पे जाने के बाद नेट नहीं था तो अपलोड नहीं हो पाया था, और बहुत लेट अपलोड हुआ था, इसलिए मैंने उसे सुबह अपलोड और एडिटिंग की थी। तो इसलिए मैंने कल फिर शाम को नहीं डाला था ब्लॉग, और आज बनाया है। और ब्लॉग भी अच्छा है, क्योंकि सारे दिन आज बिजी थे, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सुबह जल्दी जल्दी से सारा काम किया पहले, तो काम करने के बाद फिर मार्केट गए, मार्केट से सारा सामान खरीदा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, बर्तन वगैरह भी, चप्पल, जूती वगैरह सब कुछ खरीद के लेके आए, तो काफ़ी टाइम लग गया था। आए तब तक बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था, फिर बच्चे आ गए, तो बच्चे आने के बाद बच्चों में बिजी हो गए थे थोड़ी देर, तब बच्चे ट्यूशन चले गए, तब चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी गए, फिर थोड़ा टाइम मिला था शाम को। तो सामान तो आप लोगों को आज दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी, और फिर कभी दिखाऊंगी जो जो मैं ख़रीद के लाई, क्या ख़रीद के लाई। लेकिन बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गी आटा लगा के रख दिया, और इधर ये पूड़े के लिए बेसन का घोल तैयार कर दिया है, और अब बनाएंगे बेसन के पूड़े। अब हम जा रहे हैं बाजार में। कि पैरों के जूते पहन लो, चप्पल में दुखी हो जाओगे, हवा वैसे चल रही ठंडी ठंडी। और ये मम्मी ने निकाल लिए अपने बूट, अब मम्मी जाएगी बूट पहन के। बाजू जर्सी पहरे नु भी देख, राती बाजू का सूट है। आपने फिर सूट पूरी बाजू, मेरा भी इतना ही है, तो ये तो नहीं ना होगा वो पूरी बाजू भी जर्सी का है, भूलगी हम बारे में रख दी, तो कल अपनी सारी रख दी ना सारी। करना बेरो मम्मी नीति और रेणुक दी गई बाजार, यहाँ कुछ बर्तन थे मैंने साफ कर दिए हैं, और अब मैं कपड़े धोऊंगी, उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस करने के, वो प्रेस करूंगी, तब तक वो बाज़ार से आ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े थे आप देख सकते हो, पूरे एक डेढ़ घंटा लग गया। देखो कितने पैकेट हैं मैगी के, और चाय लेती थी सारी बर्तन, और वो उधर रात चला रखी शादी की, कैसी देख रहे हैं, इधर मैगी बन रही है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। आज फिर की कबाड़ खिंडा के बैठेगी तू, जो देखे जो थे सिंधुक में बड़ी रहा। हाँ अरे वो सामान निकाला था, क्या का अच्छा ब्याह की तैयारी कर दी गई, निकाल ली बखत ही निकाल लियो तू भी अपनी ड्रेस। सही है, और यो के लैंग्वेज ली काट लियो, लाल साड़ी है तो अच्छा साड़ी है, वैसे ही निकाल लियो तो। हाँ रख दे, और ये काट ली है सब्जी, आज बनाएंगे आलू गाजर मेथी की सब्जी, कट चुकी है। ये रख दिया आलू गाजर की सब्जी बनने के लिए, और इधर रख दी है मेथी, आटा लगा दिया है, और अब हम कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी। और बाज़ार में आज भीड़ ज़्यादा थी, तो भीड़ के कारण पता नहीं चला, एक वो ख़रीदा था स्वेट सेट, वो पता नहीं कहीं पे दुकान पे भूले या काम पे रह गया, उसका पता नहीं, तो अब देखेंगे किसी शॉप पे। अब ये भी याद नहीं है कि कौन सी शॉप पे छोड़ दिया, क्योंकि याद आएगा तब
अब कौन लेने जाएगा इतनी दूर, क्यों बार बार बाजार लेके नहीं जाते तीसरे दिन। बस उसी वजह से मूड थोड़ा अपसेट सा हो रहा है। और सूट के अस्तर वगैरह लेकर आए क्योंकि अब सूट सिलने हैं, काफ़ी शादी भी है और त्यौहार भी आ रहे हैं कई, तो सूट वगैरह सिलने हैं, उनके अस्तर वगैरह लेकर आए थे। बस इसी वजह से सारा दिन आज मूड भी ऑफ रहा और काम में भी बिजी रहे, सारा टाइम बाज़ार में ही निकल गया, पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। और सारा काम हो गया है घर का, अब कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी। तो सब्जी तो बना ली है, रोटी बना रहे हैं अब, फिर रोटी बनाने के बाद बच्चे वगैरह को खिलाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए सोचा मैंने पहले थोड़ी वीडियो बना लूँ। और अब इसी ब्लॉग के साथ, इसी वीडियो के साथ आज इस ब्लॉग का एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और क्या क्या शॉपिंग करके लाए आज बाज़ार से ये कल दिखाएंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं था, कल टाइम लगेगा जब दिन में दिखाएंगे। पैकिंग वगैरह भी करनी है, काफ़ी काम हो रहे हैं इस वजह से बिजी हो रहे हैं। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।